ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 23 जनवरी 2019, बुधवार का दिन है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। मघा नक्षत्र है, सिंह राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशा शूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मकर राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध धनु राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला और धनु, इन 6 राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा। 6 राशि वालों के लिए दिन सबसे अच्छा व्यतीत होगा। कार्यक्षेत्र में और पारिवारिक रूप से इनको अच्छा लाभ मिलने का उत्तम योग बना हुआ है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए दिन अच्छा रहेगा, सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं, कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, सफलता भी मिलेगी, कंफ्यूजन समाप्त होगा, अचानक फैसले लेने पड़ सकते हैं, आपको अच्छा फायदा भी होगा, कई सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। आपने पैसों से जुड़ा कोई फैसला किया है तो मामला फिर से उठेगा। पैसों की स्थिति पर बारीकी से विचार आपको करना होगा। नौकरी बदलने का विचार भी आपके दिमाग में रहेगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर रहेगी। बिजनेस में कोई नई योजना बनाएंगे तो आपके इरादे भी साफ हो जाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप कोई भी सफेद रंग की मिठाई खाकर घर से निकलेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ रहेगा। इसका प्रयोग अपने महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाने में करें। जो महत्वपूर्ण मामला पेंडिंग है उसका कोई समाधान भी आपको मिल जाएगा। कुछ परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी। संतान से सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक मामले भी सुलझ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। कामकाज ज्यादा रहेगा। दिन भर आप व्यस्त रहेंगे लेकिन इससे आपको ही फायदा होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी और उनसे आपको सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा। नौकरी और धंधे की रुकावटें आज कम रहेगी। काम करने वालों को आपसे जो है विशेष रूप से अपेक्षा भी हो सकती है। और उपाय के रूप में एक मुट्ठी चने की दाल किसी भी मंदिर में आप दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। व्यस्तता ज्यादा रहेगी। किसी भी चुनौती को संभालने के लिए आप तैयार रहेंगे। महत्वपूर्ण काम खुद को निपटाने पड़ेंगे। आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। इससे आपको आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है। लोग आपकी बात समझने के लिए तैयार रहेंगे। आसपास के लोग आपकी भावनाओं की कद्र भी करेंगे। किसी समस्या का समाधान आज आपको हाथों हाथ मिल सकता है। आप धैर्य रखें और एक एक करके सारी चीजें सुलझाएं। नौकरी धंधे के लिए दिन सामान्य रहेगा। संतान की उन्नति से खुशी बढ़ेगी। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम होगा। जीवन साथी आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे। यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल करके रखें। अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। और उपाय के रूप में हरी सब्जी यदि आप खा करके घर से निकलेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। रुके हुए काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है। आज आप पहल भी कर सकते हैं। आपकी कोशिशें देखने लायक रहेगी। बड़े लोगों और पब्लिक से संबंध बनाकर चले। आज आपको कई जिम्मेदारियां या पद मिलने का योग बन रहा है। आप व्यस्त और सक्रिय रहेंगे। पैसों से जुड़े नए सौदे भी हो सकते हैं। कामकाज कुछ अधिक रहेगा। ऑफिस के काम से कुछ नए लोग भी आपके संपर्क में आएंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। बिजनेस करते हैं या कोई निवेश करने का भी योग आपके लिए बन रहा है, वह आपके लिए अच्छा साबित होगा। नए लोगों से दोस्ती या मुलाकात की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों से संबंध आपके सुधर जाएंगे। योग्यता और अनुभव से सभी काम आपके पूरे हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपको सहयोग और प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में यदि आप दूध का दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। दिन आपके लिए
शुभ है, आज आप भाग्यशाली रहेंगे। सोचे हुए सभी काम आपके पूरे हो जाएंगे, सफलता भी प्राप्त होगी। कुछ नया करना चाह रहे हैं तो कर ले, सब अपने आप हो जाएगा। मन में तरह तरह के सपने और कुछ गंभीर विचार भी आ सकते हैं। आप आगे बढ़ते रहें, लोगों से मुलाकात के दौरान कुछ नए और अच्छे रोचक अवसर भी आपको मिल सकते हैं। आसपास के लोग किसी न किसी बात पर आपसे नाराज भी हो सकते हैं। आज परिवार के कुछ लोग भी आपके कारण दुखी हो सकते हैं। किसी बात का अनजाना डर भी आपको परेशान कर सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर आपको टेंशन भी हो सकती है, उसके कारण आपके दूसरे कामकाज पर भी असर पड़ेगा। और उपाय के रूप में एक गुलाब का फूल यदि आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। ऑफिस की कोई पुरानी परेशानियां समाप्त होने का योग है। किसी अच्छी खबर का इंतजार आपको रहेगा, वो आज आपको मिल भी जाएगी। अधिकारियों से सहयोग मिलने का योग है। जरूरी काम निपटाने की कोई योजना भी बन सकती है और साथ के लोगों की मदद से आपके कई रुके हुए अटके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों पर आप ध्यान देंगे। जीवन साथी से सहयोग आपको प्राप्त होगा। फालतू का खर्चा भी थोड़ा बढ़ सकता है। आज आपको थोड़ी बेचैनी हो सकती है। कोई बड़ा फैसला लेने में कन्फ्यूजन भी हो सकता है। मन में ऊहापोह की स्थिति निर्मित हो सकती है। निजी जीवन और पैसों के मामले में कोई नया घटनाक्रम घटित हो सकता है। और उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में गुड़ और दुर्वा चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। किसी काम के लिए एकदम नए सिरे से शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जितना हो सके दूसरों के प्रति आप अच्छी कोशिश करें। आज आप खुद को नकारात्मक विचारों से बचाकर चलेंगे। कोई नया काम शुरू करने से पहले संबंधित अनुभव व्यक्ति से सलाह कर ले। आपके द्वारा किए गए प्रयास सही दिशा में होने से फायदा होगा। वाद विवाद से बचने की कोशिश करेंगे और सफल भी हो जाएंगे। आज आप फालतू चिंताओं से बचें। खर्च की स्थिति भी बन सकती है। मन में दबी कोई पुरानी बात आपको परेशान कर सकती है। ऐसी बातों को मन से निकालने की कोशिश करें जो आपको परेशान करती है। प्रणय संबंधों में आपको कई प्रकार के उतार चढ़ाव महसूस होंगे। उपाय के रूप में घर के मंदिर में यदि आप मिश्री चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज अचानक धन लाभ हो सकता है। आप में भौतिक या शारीरिक ऊर्जा अत्यधिक रहेगी। गृहस्थी का मेहनत करने वाला काम आज निपटा सकते हैं। आप खुद तो मेहनत करेंगे ही परिवार के लोगों को भी सक्रिय कर देंगे। महत्वपूर्ण मामलों में कोई फैसला लेने से पहले शांति से विचार करें, धैर्य रखना होगा। कोई नया प्रस्ताव भी आपको प्राप्त हो सकता है। महत्वपूर्ण मीटिंग आज कर ले, समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में एक लाल फूल गणेश जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। उम्मीदें पूरी होगी। पुराने कर्मों का अच्छा फल भी आपको प्राप्त होगा। अच्छे कामों पर ध्यान देंगे और उससे आपको खुशी भी मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात और दोस्ती भी होगी। आपको दूसरों की मदद का कोई मौका भी मिल सकता है। आप इस मौके को हाथ से न जाने दें। आज आप खुद से प्रेम करेंगे। आज अपने कामों का पूरा विश्लेषण करें। अपने सामान का ध्यान रखें। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। और उपाय के रूप में हल्दी का दान किसी भी मंदिर में करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मन में नए कामों की उमंग रहेगी। अधिकारी वर्ग से सहयोग प्राप्त होगा। व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होगा। यात्रा हो सकती है। आज आप मीठा बोलकर अपने काम पूरे करवा सकते हैं। दोस्तों से सहयोग प्राप्त होगा। नए विचार मन में आ सकते हैं। आसपास या साथ के लोगों से फायदेमंद सलाह भी आपको मिल सकती है। कई तरह के विचार दिमाग में चलते रहेंगे जिनसे आपको फायदा होगा। कैरियर में किसी नई योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। पैसा संभाल करके रखें और इधर उधर की बातें करने से बचें। अपनी बातें भी लोगों को शेयर करने से बचें। सावधान रहें। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। किसी मामले को लेकर के कोई कंफ्यूजन की स्थिति चल रही है तो दोस्तों की मदद से उसके अंत तक आप पहुंच जाएंगे। उससे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। आज आप अपने कामकाज पर ध्यान दें। इससे आपके अधूरे काम भी निपट सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मामलों को जल्द से आपको निपटाना होगा। उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। रहन सहन स्टाइल और तौर तरीके में कुछ बदलाव हो सकता है। महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होगी और कोई ऐसा काम आपके द्वारा होने वाला है जिसकी प्रशंसा आपको कई लोगों से प्राप्त होगी। और उपाय के रूप में तिल से बनी कोई भी मिठाई खाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कोई रोचक खबर आपको मिल सकती है और आपको देखकर दूसरे लोग अपने जीवन में सुधार के लिए प्रेरित होंगे। आप दिन भर व्यस्त रहेंगे और इसका फायदा भी आपको होगा।
कई तरह के राज भी आपको मालूम पड़ सकते हैं। आर्थिक समृद्धि आपकी बढ़ेगी और उपाय के रूप में चावल का दान किसी भी मंदिर में करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।